और मेरा हमेशा सपना था कि मेरी ब्यूटीफुल बीवी हो। ऑटो, अरे वो बड़ा वाला गुंबद है ना, उसी के नीचे। वहाँ तो कोई गंजा आदमी खड़ा है। मैं तो इस डर के कारण अपनी वाइफ को साथ लेके आया, क्योंकि उसी से मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है। तो मुझे अलाने की भी जरूरत नहीं थी। देखो जी चांद निकला। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन बंसल, मैं होशियारपुर पंजाब से हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ट्रैवल करना मेरा शौक है, ट्रैवलिंग करता हूँ। केयरफॉल के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे याद है 25 के आसपास जब मेरी एज थी, तो मुझे हेयर फॉल का साइन शुरू हुआ मुझे दिखना। उस वक्त फिर मुझे याद है कि मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, देसी चीज़ें ट्राई की, कुछ शैम्पू ऑयल, तरह तरह के ऑयल, बहुत सी चीज़ें ट्राई की, लेकिन मुझे लगता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उस वक्त। धीरे 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 मेरा हेयर फॉल बढ़ता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया लगभग आज से 10 साल पहले, फिर मैंने ये सोचा कि भी क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए। मैंने सुना था कि उस वक्त बट ये था कि FUE टेक्निक नहीं थी, FUT टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट होता था, तो मुझे थोड़ा डर था उस चीज का, थोड़ा फीलिंग था, इस चीज का फोबिया था कि न जाने कैसा वो सर्जरी होगी, कितनी पेनफुल होगी, उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम होंगे। लाइक लोग मुझे डराते थे कि हेयर ट्रांसप्लांट के कहते हैं, तो मैं धीरे 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 उसको अवॉइड करता रहा, देखता रहा। उसके बाद भी हेयर फॉल बढ़ता रहा बढ़ता रहा। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया पैच के लिए, हेयर पैच आपको लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने हेयर पैच भी ट्राई किया 1 महीना, पर मैं 1 महीने से ज्यादा उसे झेल नहीं पाया। उस पैच के कारण मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ, काफी इचिंग हुई मेरे हेड पे। वो फीलिंग मैं दोबारा से सहन नहीं कर सकता था, दोबारा से मैं हेयर पैच अपने सपने में भी नहीं लगाना चाहूंगा। तो आखिर में मैंने फिर ट्रांसप्लांट करने का डिसीजन ले ही लिया कि चलिए ट्रांसप्लांट करवा ही लेता हूं मैं, क्योंकि हेयर पैच मैं झेल नहीं सकता था, कोई मेडिसिन और कोई दवाइयां इस पे काम नहीं करती थी। तो मैंने आखिर हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी मेरे अंदर दुविधा ये थी कि अब हेयर ट्रांसप्लांट किस जगह से और किस टेक्निक से करवाया जाए। फिर मैंने धीरे धीरे क्लिनिक मैंने सर्च करने शुरू किए गूगल पे, यूट्यूब पे। 50 जगह मैं मिला हूँ हेयर क्लिनिक पे जाके, अलग अलग, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, चंडीगढ़ में, मतलब पंजाब में, हरियाणा में। मैंने एक भी क्लिनिक ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। तो उस वक्त क्या था, जब जिस भी क्लिनिक में मैं जाता था, वो अपनी टेक्निक अलग नाम से मुझे बताते थे। कोई FUT करता था, मेन मेरा कंसर्न FUT और FUE से ही था, क्योंकि FUT में एक स्ट्रिप निकालते थे जो कि मुझे बहुत डरावना लगता था। तो फिर मैंने डिसाइड ये किया FUE ही सही रहेगा। हर कोई क्लिनिक मुझे मिसगाइड भी करते थे, मतलब मुझे लाइक ऐसा लगता था कि लोग फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। किसी किसी ने तो मुझे 10,000-15,000 ग्राफ्ट तक का भी मुझे बोला कि आपके 15,000 ग्राफ्ट आपको नीड है और हम लगा देंगे, जो कि मुझे लगता है लाइक इम्पॉसिबल है। मुझे उनकी बात बिल्कुल सच्ची नहीं लगती थी। मेरी सर्चिंग चलती रही, कम से कम मुझे 10 साल लग गए। तब एट लास्ट 2 या 3 महीने पहले मेरे जानने वाले के थ्रू मुझे पता लगा कि हेयर फ्री हेयर ग्रो एक अच्छा क्लिनिक है। तो मैंने उसके रिव्यू लेने शुरू किए, उनके बारे में वीडियो देखना शुरू किया। फिर मैंने एट लास्ट फाइनली चिंतन सर से बात की। तो दोस्तों, मुझे सच में चिंतन सर से बात करके दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे उनसे इतना अपनापन लगा और इतनी सच्ची बातें लगी उनकी। मुझे सच में उनके फोन पे ही मुझे उनकी बात से विश्वास करने का दिल कर रहा था कि भी मैंने डिसाइड किया था कि भी अब मैं हेयर फ्री हेयर ग्रो पास ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे 10 साल की रिसर्च के बाद मैं एकदम सही जगह पहुंचा हूं। बाकी देखते हैं दोस्तों कि आखिर भविष्य में क्या होगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जब मैंने हेयर फ्री हेयर ग्रो में एंटर किया, तो एक झिझक रहती है ना, किस तरह का सामने से व्यवहार मिलेगा, किस तरह का सामने से कोऑपरेशन मिलेगा। सच में दोस्तों, दिमाग से निकाल दीजिए, जितने भी स्टाफ थे कोऑपरेटिव थे, फ्रेंडली थे, हंसी मजाक में मेरी सर्जरी हुई। पूरी सर्जरी में मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई। टोटल ओवरऑल मैं स्टाफ को 10 में से 10 नंबर दूंगा। बहुत अच्छा कोऑपरेट था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। फ्रेंड्स, आप सबकी तरह पहले हेयर फॉल से परेशान था और बहुत मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और एकदम 100% आज 6 महीने के बाद मैं सेटिस्फाई हूँ मेरे ट्रांसप्लांट से। एक बात और, जो डिसीजन मैंने लिया वो सच में डिसीजन एकदम सक्सेसफुल रहा और आज मुझे बिल्कुल भी 1% भी मुझे रिग्रेट नहीं है, पछतावा नहीं है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाया। बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छी फीलिंग है, कॉन्फिडेंस है, नई लुक है। ये मान लो कि आदमी का नया जन्म है इंसान का।